बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉच टीवी पे राबता। नाज़रीन, हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ, उस प्रोग्राम्स में हम लोग ज़्यादातर सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और उन्हीं की फील्ड के हवाले से बातचीत भी करते हैं। लेकिन आज जो मेरा गेटअप देख रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर बन गया हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी नौयत की इंतहाई एक मुनफरिद पौधों की लैब के अंदर मौजूद हूँ। और ये लैब किसने बनाई है, इसका मकसद क्या है और यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली तो एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, ये उसकी लैब है। और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक या और भी शायद बहुत बड़े एरियाज़ होंगे जहाँ पर इस तरह की लैब नहीं है। ये अपनी नौयत की बड़ी डिफरेंट मुनफरिद और ज़बरदस्त किस्म की लैब है। और ये मेरे जो ये गेटअप है सारा, ये इस वजह से है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की बाहर से डस्ट या कोई जर्म्स या कोई इस किस्म की चीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती कि जिसकी वजह से इन पौधों को यहाँ पे नुकसान हो। यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है सारा और जो कि इनकी देखभाल करता है, वो क्या करता है और बेसिकली ये जो है टिश्यू कल्चर, ये है क्या, प्लांट्स टिश्यू कल्चर है क्या, इसी के हवाले से हम यहाँ पर जो मौजूद स्टाफ है उससे बातचीत करेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लैब की जो अफादियत है वो क्या है और ये किस हद तक जदीद है और इससे फ़ायदा क्या होगा, ख़ासतौर पर जो हमारे मुख्तलिफ फलदार या फूलदार जो पौधे हैं और उनकी ग्रोथ और उनकी जो अफजाइश है और उनका जो रिज़ल्ट है, यानी कि उनका फल देने का रिज़ल्ट है, उसके ऊपर जो यहाँ से लैब से जो पौधे जाते हैं उसका क्या असर पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ का जो है वो फीमेल स्टाफ वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिफ्ज़ा शाहिर। अच्छा हिफ्ज़ा, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये काफ़ी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बॉटल्स में मुख्तलिफ ये पौधे हैं, तो ये किस चीज़ के पौधे हैं और बेसिकली ये प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या? प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिकली हम लोग ये है कि एक प्लांट का टिश्यू ले रहे हैं एंड उससे हम लोग मल्टीपल प्लांट्स बना रहे हैं। लाइक कोई भी टिश्यू हो सकता है, वो कोई लीफ पार्ट हो सकता है, कोई स्टेम हो सकता है या इस तरह से कैलस हम लोग जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कैलस है। एक छोटा सा कैलस अगर आप ये देखें लाइक दिस वन, इससे आप मल्टीपल प्लांट्स एट अ टाइम ग्रो कर रहे हैं। अच्छा ये इतने से? हाँ जी ठीक है जी। ये इसमें से भी एक टाइम पे तीन पौधे निकल रहे हैं, तीन से भी ज्यादा, ये जो बीच में डॉट्स हैं ये भी उसकी शूट्स निकल रही हैं। बिल्कुल सही है। तो ये लगा हुआ किस चीज़, मिट्टी तो है नहीं है, ये है क्या चीज़? नहीं, हम लोग मीडिया यूज कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया क्या होता है? में डिफरेंट कॉन्टेंट्स हैं जैसे कि शुगर यूज कर रहे हैं, हारमोन्स हैं, हारमोन्स में इसमें शूट्स हारमोन भी है और जो है रूट्स हारमोन भी है। सही। उसके अलावा इसके जो जेल फॉर्म है ये जो है इसके लिए हम लोग एक जेलिंग मीडियम है वो यूज कर रहे हैं जिससे जेल फॉर्म है। अच्छा, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है ताकि हमारे जो देखने वाले हैं खासतौर पर अगर बच्चियाँ देखें तो उनको ये पता चल सके कि ये कौन सी एजुकेशन जिसके तहत आप ये वाला काम कर रहे हैं। मैंने जो है बीएस बायोटेक्नोलॉजी किया है। बीएस बायोटेक्नोलॉजी आपने? हाँ, किया हुआ है। और इसका स्कोप क्या है? स्कोप ये है कि काफ़ी वास्ट है और इसमें हम डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट टेक्नोलॉजी या टिश्यू कल्चर इट इज़ अ वेरी गुड फील्ड। तो ये भी ये केले का पौधा है? हाँ जी। और इसके तीन पौधे बन रहे हैं। जो है ये ग्रैंड नैन है, लाइक ये हम लोगों ने भी कराची से इम्पोर्ट करवाया हुआ है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में कितनी होंगी मजीद आपके ख्याल से लेबोरेटरीज? इस्लामाबाद में कुछ लैब्स हैं जो इस पे रिसर्च कर रही हैं, लेकिन वो भी इसको प्राइवेटली नहीं, गवर्नमेंट उनको जो है स्पॉन्सर कर रही है। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। प्राइवेट जो है ये फर्स्ट वन जो है, प्राइवेट ये फर्स्ट वन है। और ये इतनी ज़बरदस्त जो लैब है ये बनाई किसने है, ये एक सरप्राइज है जो कि मैं प्रोग्राम के मिड में आपको दूंगा कि ये सरप्राइज जो है वो क्या है। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये कितने अरसे में पौधा इस काबिल हो जाता है कि इसको फिर आगे आप जमीन में मुंतकिल कर सकें, और ये मतलब जो इसमें चार पौधे निकल रहे हैं उसको आगे से फिर आप कैसे मतलब तकसीम कैसे करते हैं?
चार नहीं, इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो 10 to 12 होते हैं। अच्छा, ठीक है। मीन जैसे एक कैलस है ना, तो एक में जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये 12 या 12 से भी ज़्यादा प्लांट्स होंगे। ठीक है, इसकी देन हम रूटिंग करवाते हैं, जैसे एक एक टिप है तो एक एक टिप को हम रूटिंग मीडिया में डाल के इसकी रूटिंग कराते हैं और देन इसको बाहर ज़मीन में शिफ्ट करते हैं। ये स्टार्ट ऐसे होता है कि आप एक बनाना है जिसको आपने कट किया है, कट करके आपने उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, देन वो 3 पार्ट्स, एक कैलस है जो उसको आपने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और वो 3 पार्ट्स जो हैं उसको आप 9 टाइम या 12 टाइम उसको आगे देन फर्दर शिफ्ट करते हैं और हर बार उसको 3 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यूँ अगर आप देखें तो ये हमारी जो भी पूरी लैब है ये 18 प्लांट्स से ये सारा मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली हमने 18 प्लांट्स लाए थे, अभी हमारा 6 सब कल्चर है और ये हमारे इतने प्लांट्स इससे आए। तो आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये प्रोसेस आप जो वो इसकी ये बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको जिसमें ये लगा हुआ है, मीडिया, ये कैसे बनाया जाता है और इसको फिर आप शिफ्ट कैसे करते हैं? मीडिया हम डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिनकी एक फिक्स प्रोपोर्शन होती है वो हम यूज़ करते हैं, देन उसको हम डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं और साथ में सुक्रोज जो जो कि शुगर है उसकी एक फिक्स अमाउंट है, उसके बाद जलन मीडियम है वो डाल के देन उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं और ऑटोक्लेव करने के बाद वो प्रॉपर इस जेल की फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद हम प्लांट को उसमें शिफ्ट कर देते हैं। हमारा सारा काम जो है वो बनाना के ऊपर हो रहा है। तो बनाना जो है ये विंटर्स का प्लांट है, समर्स में अगर आप देखें तो ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारा ये अभी तक सर्वाइव कर रहा है या हेल्दी ग्रो कर रहा है इसलिए क्योंकि हमने इसको जो लाइट है वो भी सेम विंटर्स वाला टाइम इसको प्रोवाइड किया हुआ है, टेम्परेचर जो है वो भी हमारा आर्टिफिशियल, लाइक हमने इसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है और टिश्यू कल्चर जहाँ पे भी हो रहा होता है उसकी जो लाइट की टाइमिंग्स होती हैं वो 8 आवर्स नाइट टाइम और 16 आवर्स डे टाइम। यानी कि आप तो यहाँ पे दिन और रात इनके लिए मेंटेन करते हैं, यानी कि जैसे दिन और रात में इनको जो टाइम चाहिए। इट इज एक्चुअली क्लोनिंग। एक्चुअली क्लोनिंग, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये पीछे मीटर साइड में देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली इसके यहाँ पे ऑवर्स और ये जो कुछ होता है वो सब सेट किया होता है, जैसे भी आपको बताया है कि 16 आवर्स इनकी लाइट टाइमिंग है और 8 आवर्स, यानी कि ये ऑटोमेटिकली फिर लाइट्स ऑफ कर देगा और टेम्परेचर वो मेंटेन कर। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मीडिया रूम में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मीडिया कैसे बनाया जाता है। जी, ये कैसे बनाते हैं इसको? ये जो है आप देख रहे हैं ये हमारा मीडिया जो है इसको कहते हैं मैग्नेटिक स्टेरर। इस स्टेरर पे जो है इस मीडिया को चढ़ाया गया है। अब इसमें जो है इस मीडिया में हम लोगों ने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हमें आपको पहले बताए हैं वो ऐड किए गए हैं एंड उन न्यूट्रिएंट्स में अब उस मीडिया को स्टीयरिंग पे लगाया हुआ है और ये जो है ये वेइंग बैलेंस है। इस वेइंग बैलेंस के थ्रू जो है हम लोग सारी अपनी जो है न्यूट्रिएंट्स उनको वेग करके इस मीडिया में ऐड करते हैं एंड देन जो है इस मीडिया को हम लोग कोरिंग करके इन जार्स और इनको फिर ऑटोक्लेव करते हैं और ऑटोक्लेविंग के बाद जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा साथ में लैमिनर रूम है। लैमिनर रूम में ऑलरेडी आप देख रहे हैं यूवी ऑन है। यूवी से ये होता है कि आपके लैब में ऑलरेडी जो भी कंटेमिनेशन माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वो उसको कई करती है और वो मेक श्योर करती है कि लैब जो है कंटेमिनेशन फ्री है। ये एक मैं वॉशिंग एरिया भी देख रहा हूँ, ये किस लिए है? ये वॉशिंग एरिया जब हम फील्ड से बनाना प्लांट्स लेके आते हैं या कोई भी प्लांट्स लेके आते हैं तो ऑब्वियसली वो बाहर से उनमें काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि वो जो है हमारे प्लांट्स को जो है उससे हम फ्री कर लें। तो उसके लिए वॉशिंग एरिया में हम लोग पहले प्लांट लेके आते हैं और उसको 1/2 आवर के लिए रनिंग वाटर के अंडर रखते हैं। जब उससे मिट्टी वगैरह सब कुछ 1/2 आवर के बाद निकल जाती है तो उसको हम लोग स्टेरलाइज करते हैं। मतलब बेसिकली ये प्लांट की स्टेरलाइजेशन हो रही है, उसमें से जो भी है माइक्रोब्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उनको किल किया जा रहा है। उसके बाद जब रनिंग वाटर से वो निकलते हैं
तो हम लोग वॉशिंग के लिए डिफरेंट और भी एजेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग ब्लीच कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको एनालिटिकल ग्रेड की, हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग एल्कोहल एथेनॉल जो है उसको भी फॉर यूज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टेरिलाइजेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इनकी रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके रूट हेयर्स भी आ चुके हैं एंड रूट्स भी हैं, तो अब ये जो है रेडी है वाइड हार्डनिंग के पर्पज़ के लिए। अब इसको ग्रीन हाउस में शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पे इसकी हार्डनिंग करवाई जाएगी ताकि ये प्लांट जो है एक बड़े प्लांट लेंथ पे जो है ये मूव कर जाए और आगे जो है फर्दर ये मार्केट में सेलिंग के लिए रेडी हो। नाज़रीन, जो वहाँ पे लैब है, लैब से तो हमने आपको बताया कि जब पौधों की रूट्स आ जाती हैं, निकल आती हैं, तो फिर उनको आगे ज़मीन में लगाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिस शख्सियत ने ये एफर्ट की है, जिसका ये बड़ा ज़बरदस्त एक कदम है जो उन्होंने उठाया है, उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप शायद सरप्राइज भी होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी गुलाम अहमद जमूर साहब, जो कि एक बड़े अच्छे, आप तो मैं कहूँगा मंझे हुए सियासतदान भी हैं, ज़िले सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अपना जब इनका दौर था, ये सिटी नाज़म जेलम थे, तो उस वक्त इन्होंने पानी में, पानी के हवाले से, ज़राअत के हवाले से और दीगर जो इनोवेशन हैं डिफरेंट, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया था, जिसका एक सबूत ये भी है कि वो जो पौधे अंदर लगाए गए थे, वो पौधे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, बड़े हैं और जिन्होंने लगाए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजमुर साहब, ये बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है। मोस्टली मैं देखता हूँ कि सियासतदान जो है वो उनकी इस तरफ कोई इतनी खास तवज्जो नहीं होती, वो किसी ने कुत्ते रख लिए, किसी ने शेर रख लिए, किसी ने गनमैन रख लिए, आपने जनाब बड़ी ज़बरदस्त लैब बना ली, बड़े ज़बरदस्त पौधे रख लिए आपने, तो ये शौक कैसे बना और इसकी आने वाले वक्त में अहमियत क्या है? जी थैंक यू। असल में हम बेसिकली ज़मींदार हैं और मैं हमेशा सोचता हूँ कि पाकिस्तान में ज़रात को इतना फ़रोग नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, स्पेशली जो न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं दुनिया में, तारफ हो रही हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, अभी तक हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम काम नहीं कर सके, हमारी फूड भी सिक्योर नहीं है, कभी प्याज ख़त्म हो जाते हैं, कभी टमाटर ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक इस तरह का एक वैरायटी या वैरायटीज़ यहाँ पर मुतारफ़ की जाएँ। तो पहले हमने शुरू किया है इसके ऊपर, बनाना के ऊपर, ये स्पेशल एक किस्म है जिसे कहते हैं ग्रैंड नैन, और ये जो है ये बहुत बड़े होते हैं, पूरी गज़ियत इनमें होती है और ये पाकिस्तान के माहौल में बिल्कुल फिट भी आते हैं। तो ये हमने बाहर से मंगवाए थे, एक साल हो गया हमें इनके ऊपर। ये जो पौधे आपको नीचे नज़र आ, पीछे नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 1 ईयर ओल्ड हैं, 10 महीने तकरीबन अभी ये फ्रूटिंग के लिए तैयार हैं। सही है, बिल्कुल सही है। और ये मैं साथ में देख रहा था, जैसे ये है जी, ये वो पौधा जो अंदर हमने वहाँ पे देखा था, वो ये यहाँ पर इस पोजीशन में, फिर उसके बाद उसको बड़े गमले में, फिर उसके बाद उसको उससे बड़े गमले के अंदर लगाया जा सकता है। तो सर, स्कोप इसका क्या है और ये पाकिस्तान में कितनी लैब्स हैं इस तरह की जो आपने बनाई हुई हैं? देखिए, गवर्नमेंट की कोई एक दो लैब्स चल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो पता है आपको, गवर्नमेंट होती है वो फंडिंग अरबों रुपए की लेते हैं, लेकिन उनका जो बाहर जो होता है वो इतना वो इम्पैक्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। हमारे साथ एक दोस्त हैं, वो कराची में काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है प्राइवेटली बनाने के ऊपर सिर्फ हमारी जो ये लैब है जेलम में और एक लैब उधर कराची में चल रही है जो प्राइवेटली कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। मेरा ख्याल है बाकी कोई पाकिस्तान में, किसी कोई यूनिवर्सिटी, कोई किसी ने, किसी कॉलेज ने आपसे कोई रब्ता किया इसमें? जी, हमारे पास आते रहते हैं यूनिवर्सिटी वालों के, बल्कि पिछले दिनों में फैसलाबाद वाले आए थे, वो कह रहे थे कि हम जो हैं उधर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप हमारी मदद करें। तो बल्कि हमने उन्हें कुछ पौधे भी दिए थे, वो लेकर गए, लेकिन मुझे फीडबैक मिली है कि वो पौधे उनके मार गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टिश्यू कल्चर में है वो कंटेमिनेशन। हमें भी तकरीबन एक साल लगा था कंटेमिनेशन कंट्रोल करने में। और मसला ये है कि इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कोई भी बंदा प्राइवेटली इसे यूज़ करता है तो कंटेमिनेशन की वजह से उसका नुकसान होता है, तो वो भाग जाता है। माशाल्लाह हमने कोशिश की है कि कंटेमिनेशन और नुकसानात होने के बावजूद भी हमने इसे एक ऐसे प्रोसेस बना लिया कि अब हम जो है बिल्कुल कामयाब जा रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। तो ये एक पौधा जो है कितना फल दे सके? ये हमारी फर्स्ट, ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन जिनको हम पूरा पाल रहे हैं, तो अभी एग्जैक्ट तो हमें पता चलेगा अभी जब इनके ऊपर फ्रूटिंग होगी। बिल्कुल ठीक है जनाब, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़, बड़ी ज़बरदस्त एक इनोवेशन, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मतलब ऐसी शख्सियत के जिनको हम लोग सिर्फ इसी पहलू से जानते हैं कि वो एक समाजी शख्सियत हैं या सियासी शख्सियत हैं, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त शौक है जो कि आने वाले वक्त में बहुत फ्रूटफुल है। मैं थोड़ी सी एक मज़ीद आपको बात बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हेम्प इंडस्ट्रियल हेम्प के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है,
चल रहा है। हमारे साथ जब चौधरी फवाद साहब जो थे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो एक हमारा MOU साइन करने में जा रहे थे जिसके ऊपर हम हेम्प को जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ कराना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। थोड़ा सा टिश्यू कल्चर के बारे से बता दूँ कि टिश्यू कल्चर आप किसी पौधे का, किसी दरख्त का एक छोटा सा पत्ता लेकर आए और उसको लेबॉरेटरी में ग्रो कर सकते हैं, फिर उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अ वास्ट फील्ड और एग्रीकल्चर को ये रेवोल्यूशन आज कर सकता है अगर हुकूमत या ये यूनिवर्सिटी या रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं इसके ऊपर तो ज़्यादा। बिल्कुल सही है जी, इसके ऊपर मज़ीद इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बहुत ही नायाब एक पौधा और भी देख रखा है, लेकिन वो कौन सा है और उसकी जो है वैल्यू क्या है वो आप सुन के बड़े हैरान हो जाएंगे। वो एक दरख्त लाखों करोड़ों रुपये का चला जाता है, वो भी उसके ऊपर भी यहाँ पर तजर्बा हो रहा है, लेकिन वो उस तजर्बे को देखने के लिए आपको हमारा अगला प्रोग्राम देखना पड़ेगा। अजमुर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अपने अपने बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, इस प्रोग्राम को कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सके ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। और अजमुर साहब ने मुझे वैसे भी कहा था कि अगर कोई लोग इसको देखना चाहते हैं, कोई सर्च करना चाहते हैं, हमारे से कोई मावनत लेना चाहते हैं, तो वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।